गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमें एचसीएफ फाइंड करना है, दो गिवन नंबर्स हैं 135 और 225। तो सबसे पहले, क्योंकि 225 इज ग्रेटर देन 135 और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां हम a जो है डिविडेंड की तरह ट्रीट करता है, b हमारा डिवाइजर की तरह, q क्वोशन की तरह और r रिमाइंडर की तरह। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, क्योंकि 225 इज ग्रेटर देन 135 है, देयरफॉर a जो है हमारा ये 225 हो जाएगा और b 135 हो जाएगा। यहाँ a की जगह पे हम 225 पुट कर देते हैं और b की जगह पे क्या रखेंगे, 135। अब q फाइंड करने के लिए, दैट मींस कोशेंट फाइंड करने के लिए, डिवाइजर को डिविडेंड से डिवाइड करते हैं, यानी 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से और हमें मिलेगा 1 और 135 और रिमाइंडर बचेगा 90। तो हम यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर हमारा है 90, क्योंकि हमने पहले एग्जांपल में भी पढ़ा है कि रिमाइंडर 0 होता है तब हम डिवाइजर को एचसीएफ की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम इस क्या करेंगे, इस 90 को डिवाइजर की जगह पे ले जाएंगे और इस डिवाइजर को डिविडेंड की जगह पे, तो ये 135 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड की जगह पे और ये रिमाइंडर आ जाएगा बी की जगह पे, यानी डिवाइजर की जगह पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90। अब अगेन हम डिवाइड करेंगे इस 90 से 135 को, जो हमें 90 इंटू 1 इज इक्वल टू 90 एंड देन रिमाइंडर विल बिकम 45। तो हम यहाँ पे 90 इंटू 1 लिखेंगे प्लस रिमाइंडर हमारा 45 आया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेगा ये कि 90 जो है यह आ जाएगा डिविडेंड की जगह पे और ये रिमाइंडर जो है यह आ जाएगा डिवाइजर की जगह पे। अब हम फिर डिवाइड करेंगे इस 90 को, 45 टू जा 90 देन रिमाइंडर विल बिकम 0, 45 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब जो हमारा डिवाइजर बचा है वो हमारा HCF हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF ऑफ द टू गिवन नंबर इज इक्वल टू 45 आंसर। थैंक यू।